वाह, क्या क्या आया है बोलो। रख देना, हाथ धो लो पहले। आप भी टेस्ट करना चाहेंगी? लीजिए, कितनी बढ़िया सरसों है, देखिए एकदम जबरदस्त दाना, सुंदर। मैं आ गई हूँ नाश्ता लेके। क्या क्या लाए हो? मैं खीर खाजे लाई हूँ, रोटी रोटी लाई हूँ, और दही लाई हूँ, पानी लाई हूँ, सब्जी। छाया में रखो, आ रहे हैं हमारे, छाया में रखो। तो दोस्तों, आज नाश्ता खेत में ही हो रहा है हमारा, गन्ने की छिलाई हो रही है। आज कोई भी आदमी नहीं आए काम वाले, तो जो थोड़ा बहुत बचा था उसको छिलने के लिए मम्मी आ गई थी सुबह ही, और काम निपटा के मैं भी आ गया था। अब आ गया हमारा नाश्ता, नाश्ता करते हैं और बाकी बचा हुआ काम करते हैं। फिर थोड़ा बहुत ही गन्ना बचा है दोस्तों, अभी पहले कुछ खा लेते हैं फिर गिनते हैं फंदी है? पहले नाश्ता करते हैं फिर गिनेंगे। आज सुबह से हम यहीं हैं, मम्मी और मैं, तो हमने नाश्ता यहीं मंगाया है। देखिए गन्ना कितना गिरा हुआ है, सब टूटा हुआ गन्ना है, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है छिलने में। बस थोड़ा सा ही, एक गाड़ी और बची है, वो भी फाइनल हो जाएगा। वाह, क्या क्या आया है बोलो। ये क्या निकाल रही हो जीभ, ये सब डालूंगा वीडियो में। आज बहुत समय के बाद खेत में भोजन खाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मम्मी दिखाइए क्या क्या है। ये है खीर, है खीर भी आई है, सब्जी है, खीर खाजे, प्याज, टमाटर, बंद गोभी। वाह, तो ये है दही, हमारी गायों का, गौमाताओं का बड़ा ही प्यारा दही, बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट एकदम। और ये है गोभी की सब्जी, आलू टमाटर प्याज पड़ा हुआ, मजा ही आ गया। और कई सालों के बाद आज ऐसे खेत में बैठ के भोजन कर रहे हैं तो आनंद ही लगा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आप भी टेस्ट करना चाहेंगी? लीजिए, जबरदस्त है ये लस्सी, इतना मस्त स्वाद आ रहा है ना दोस्तों, गर्मी के दिनों में लस्सी तो अमृत है, और वो भी ये लस्सी, मजा आ गया। मैं तो दही को ही फेंट के पी गया, बड़ी जबरदस्त हो रही है, बहुत ही औसम टेस्ट है, बहुत बढ़िया हो रहा है। किसी ने और ली नहीं ना, मम्मी ने, इंदु ने, तो मैं ही पी गया। बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत टेस्टी। क्या सुंदर नजारा, प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पे। तो इसमें अभी एक गाड़ी होगा हमारा और गन्ना, कहाँ होता है, एक नहीं होगा ना, बस थोड़ा ही बचा होगा, उसके बाद गन्ने की फसल निपट जाती है, फिर कुछ टाइम बाद गेहूं की तैयारी होगी। किसान का तो ऐसा ही है, पूरे साल भर कभी कुछ कभी कुछ। अभी कितना टाइम लगेगा इसमें? अभी मेरा एक दिन और टोटल 120 फंदी है। इतना ही तोल दे, इतना ही तोल दे। आप कितनी देर में आ रही हैं? मैं खिलूंगी नहीं, कौन खिलेगा उसको, या बाद में? बाद में, तो धूप ज्यादा हो रही है, आप भी घर आ जाइए टाइम से। मैं जाके गायों का काम करता हूँ जो बचा हुआ है, शाम को छिल लीजिए, हम चलिए अभी घर, गर्मी बहुत हो रही है, घर आ जाइए टाइम से। दोस्तों धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत तेज गर्मी हो रही है। अब हम लाई फैला रहे हैं, जो लाई में थोड़ा नमी थी उस लाई को सुखाने के लिए ऐसे फैलाना जरूरी है, नहीं तो रखे रखे कट्टों में खराब हो जाती। इस बार सरसों बहुत बढ़िया हुई है दोस्तों, और रेट भी डाउन हो गया है, तो आप लोग पिछली बार हमने खरीदी थी 8,000 रुपए, इस बार 5,000 से 6,000 रुपए मिलती है, तो आप लोग भी इकट्ठी कर ले, प्योर सरसों खरीद ले और अपने ही घर में तेल तैयार करें,
इसी को इस्तेमाल करें, अच्छा तेल, रिफाइंड और मिलावटी तेलों से बचें। हमारे तो एक साल में कम से कम 3.5 क्विंटल लाई लगती है। देखो कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया सरसों ये देखिए, एकदम जबरदस्त दाना, सुंदर। इसको साफ करना, छन्ना लाना पड़ेगा एक। अब है इसको साफ करने का काम, उड़ाने का। यहाँ पे लाई उड़ाई जा रही है, ठंडा है नहीं तो हम कूलर से ही लाई को उड़ा रहे हैं। इससे पहले कि बारिश का मौसम बने, बहुत जल्दी सारी लाई सुखानी है। अभी ये है, उसके बाद और हैं 6-7 कट्टे बचे हुए। कितना और कितनी और बची है लाई? है ये अभी कल को भी होगी ना, अभी थोड़ी लाई है। बहुत ही खूबसूरत सरसों हुई है इस बार, बड़ा बड़ा दाना। मिक्स हो गया काला और पीला, हाँ थोड़ा सा काला और पीला मिक्स हो गया, बीज में ही होगा ना ऐसा। थोड़ी सी और बची है, जल्दी कर लो इसको। अब इस बार मौसम ने बहुत साथ दिया है, इसलिए सरसों बहुत अच्छी हुई है। बारिश नहीं हुई तो खराब भी नहीं हुई। हाँ और फसल में नुकसान हो रहा है पानी की कमी से, गेहूं में बहुत पानी की कमी से नुकसान हो रहा है, गन्ने में पानी की जरूरत है, लेकिन लाई अच्छी होगी। सरसों बहुत ही बेहतरीन हुई है इस बार, रेट भी डाउन हो गए हैं पिछली बार के मुकाबले, 2 से 3 हजार रुपये हर क्विंटल में। हाँ पिछली बार 8-9 हजार पहुंच गई थी, इस बार तो 5-6 हजार रुपए चल रही है। तो दोस्तों आप भी जरूर बताइएगा कि आपकी सरसों कैसी हुई है और कितनी यील्ड आपकी हुई है। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार अपना सपोर्ट हमें देते रहिए, हमें अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आपके मिलते रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।